ट्रैवलिंग देसी। और स्वागत है उस शहर में जो सदियों से पेंटर्स की इंस्पिरेशन रहा है, और वेल्दी यूरोपियंस की तारीखी हॉलिडे डेस्टिनेशन। और ये है बेल्जियम का ब्रूज। और ये वो विलेज टाउन है जहां पे टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ आते हैं इसकी मेडिवियल फेरी टेल टाइप ब्यूटी एंजॉय करने के लिए। और इस विलेज में नजारों की कोई कमी नहीं है, बट मेरी यहाँ की शुरुआत हुई मेरे ब्रसल्स के होस्टल के साथ वाले बस स्टॉप से, जहां से सीधी बस या ट्रैम ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन ले जाती है। ट्रैम पकड़ लिया, 5 मिनट में पहुंचा देगी सेंट्रल स्टेशन। 2-3 स्टॉप आते हैं बीच में सीधा, बड़ी कंफर्टेबल जर्नी है, एयर कंडीशन है अपना फर्स्ट क्लास, आराम से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो अलग बात है कि 2 यूरो पड़ते हैं, 150 रुपये। आप चाहें तो ये 15-20 मिनट की सैर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, इतने गिम्बल और सब कुछ, और वहाँ जाके भी बहुत सैर करनी है, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ लेता हूँ। बट ट्रैम्स और बसेस का यूज कई बार मैं जब थक जाता हूँ तो सिर्फ आराम से बैठकर सिटी के नज़ारे इंजॉय करने के लिए भी करता हूँ। और ट्रैम उतारती है आपको सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल गेट के सामने, जैसे टैक्सी पॉर्श पे उतारती है वैसे ही उतारती है, सामने स्टेशन है, बस अब अंदर जाना है। बस स्टेशन में आके मैंने काउंटर से ब्रूज तक जाने और वहां से वापस आने की ट्रेन की टिकट पकड़ ली। और काउंटर से टिकट मैंने पकड़ लिया, बट टिकट के ऊपर ये टाइम और प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, वैसे तो स्क्रीन से भी आ रहा होता है, बट काउंटर से आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, मशीन पे कैश पेमेंट नहीं होती, और वो प्लेटफॉर्म बता देते हैं तो थोड़ा सुख हो जाता है। उन्होंने बताया 12:29 की ट्रेन है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 9 नंबर प्लेटफॉर्म ही आ गया, अब ऊपर जाकर ट्रेन पकड़नी है। और ये एग्जैक्टली वही ट्रेन है जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में केंट तक जाने के लिए ली थी, क्योंकि केंट के बाद अगला स्टॉप ब्रूज ही होता है। और ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं पिछली वीडियो में आपको दे ही चुका हूँ। और क्योंकि ब्रूज तक का ये सफर तकरीबन 50 मिनट का है, तो इसलिए मैंने अपना टाइम अपने इक्विपमेंट की सर्विसिंग में स्पेंड किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही दिन में ब्रूज और गेंट देख लेते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, 3-4 घंटे में ब्रूज देखते हैं, उसके बाद गेंट आते हैं, 2-3 घंटे में गेंट देखते हैं और वापस निकल जाते हैं। होस्टल भी ऐसे टूर कराता है, बट 40 यूरो लेता है क्योंकि 28 की तो टिकट ही है। बट मैंने अलग अलग दिन रखे, एक दिन गेंट, एक दिन ब्रूज, इवन दो टिकट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी, एक दिन आई गेस 18 यूरो और अगले दिन 28 यूरो, 10 यूरो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ब्रूज जाने आने के ऐड करने के। बट फिर भी आई टुक माई टाइम एंड इट्स अ गुड आइडिया कि आराम से आप पूरा पूरा एक दिन स्पेंड करें इन सिटीज़ में, दे आर रियली प्रिटी and they have a lot to do. और ब्रूज स्टेशन पे उतर के आप सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन में ही मौजूद टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर एक फ्री मैप पकड़ सकते हैं, जिसके अंदर की सिटी के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मार्क्ड होते हैं। और ये ब्रूज का सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से निकलने के बाद आपको तकरीबन 1 किलोमीटर चलना होता है इस डायरेक्शन में, और आप पहुँच जाते हैं सिटी के सेंटर में, जो कि बहुत ही प्रिटी है। स्टेशन के आसपास कुछ सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप खाना वाना पिक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आई गेस कुछ टर्किश रेस्टोरेंट है, एक सबवे है, और शायद डोमिनोज भी है, या डोमिनोज, यहाँ से मैंने लास्ट टाइम पिज्ज़ा पकड़ा था। और यहाँ से बसेस भी चलती हैं जो सीधा सिटी के सेंटर में ले जाती हैं। अभी एक सामने स्टॉप है, बट मैं पैदल चल के जाने वाला हूँ क्योंकि रास्ता भी काफ़ी प्रिटी है। और जब आप स्टेशन से निकलते हैं तो पहली जगह जो आती है आपके सामने सिटी के अंदर जाते हुए, वो है यहाँ की पुरानी फोर्टिफिकेशन मॉल्स। अब इसको तोड़ के एक कनाल बना दिया गया है, ये बहुत सुंदर है, और यहाँ पे पूरा गार्डन्स बन गए हैं। ये बेसिकली एक हिस्टोरिक सिटी है जो फोर्टिफाइड होती थी, जिसके चारों तरफ किलाबंदी होती थी, अब उस दीवार की ज़रूरत नहीं है, तो उसको तोड़ ताड़ के उन्होंने यहाँ पे पूरा पार्क बना दिया, जिसपे लोग साइकिलिंग करने, आराम से रिलैक्स करने आते हैं। बट अगर यहाँ पे आप 9 यूरो पर डे में साइकिल रेंट कर लें, तो शहर के गिर्द बने इस साइकिल ट्रैक पर चक्कर जरूर लगाइएगा, बट ये काम शाम को कीजिएगा क्योंकि अंदर से ये शहर बहुत सुंदर है। इसलिए अब जरा इसके सेंटर की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे ब्रसल्स या गेंट से आना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे होटल्स जो हैं ऐसे होते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही बुटीक बट बहुत ही महंगे. ये बहुत प्यारे होटल्स हैं, बहुत क्यूट. बट या इफ़ यू आर इन अ हनीमून एंड यू आर विलिंग टू स्पेंड अ लिटिल मोर, 8-10 हज़ार रुपये पर नाइट आप खर्चना चाहते हैं, तो इट कुड वेल बी वर्थ. और सेंटर की तरफ चलते हुए रास्ते में आए एक ओल्ड एज होम जहाँ पे अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद रहने आ जाते हैं. बट मेरी दिलचस्पी सड़क पे खड़ी गाड़ियों के साथ बने पार्किंग मीटर में थी. और बाय चांस आप बेल्जियम की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं गाड़ी रेंट करके, तो यहाँ पे पार्किंग के प्राइसेस थोड़े से स्टीप है. अभी मैं बिल्कुल एंट्री पे हूँ, सेंटर में नहीं हूँ. सेंटर में बहुत और एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे जो है प्राइस है 1 घंटे का 180 और मैक्सिमम 4 घंटे गाड़ी खड़ी हो सकती है और उसके है 9 यूरो, यानी कि 4 घंटे गाड़ी खड़ी करने के 8 × 9 = 72, 720 रुपये. खैर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे खूबसूरत नज़ारे आते रहे. सबसे पहले तो ये कैसल और दूसरी तरफ शहर के एज पे असेंबल होते हुए वॉकिंग टूर के लिए आए टूरिस्ट क्रू. बट जो भी कहो, चाहे वो कैसल हो या फिर ग्रीनरी या सफाई, हर चीज देखने लायक है. और मेरे पीछे यहाँ के सबसे सुंदर एरियाज में से एक है. एक्चुअली ये पूरी सिटी इतनी फोटोजेनिक है, आप कहीं भी जाए इट्स वेरी पिक्चरेस्क, कहीं भी जाके फोटोज और सेल्फी खींच सकते हैं. समझ नहीं आएगा कहाँ पे कितवाएं, कहाँ पे ना क्या ले क्या छोड़े. अब यहाँ पे पीछे बहुत सारे स्वान्स हैं, एक तो जोड़ा ठीक मेरे पीछे है, एक हंस का जोड़ा. और यहाँ पे पीछे जो है मोनेस्ट्री है, शायद यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकली नंस हुआ करती थी. अब मैं पूरी हिस्ट्री तो भूल गया हूँ, पोस्ट में डाल दूंगा. बट या एक्चुअली यहाँ से सिटी की शुरुआत करनी चाहिए. अंदर आते ही मैं सीधा हिस्टोरिक ओल्ड टाउन की तरफ नहीं जाता, पहला राइट ले लेता हूँ और फिर सीधा इस एरिया में पहुँचते हैं. यहाँ पे बहुत सारी बोट टूर्स होती हैं, उसके बाद अब यहाँ से अंदर जाऊँगा. सबसे पहले मैंने जाना है यहाँ के एक मेन चर्च पे जहाँ पे माइकल एंजेलो की एक मूर्ति पड़ी हुई है. बट ध्यान दीजिए, पूरे शहर का हर कोना साफ और हरा, फिर चाहे जाम मर्जी फोटो खींच लो. और ऊपर से सीनरीज ऐसी जिनमें हंस तक शामिल है. सिटी तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है, बट यहाँ पे भी वैष्णो देवी वाली प्रॉब्लम है. खच्चर होते हैं ना, उनकी पट्टी की स्मेल होती है. यहाँ पे भी अपना फुल टाइम झाड़ू लगते रहते हैं क्योंकि इधर घोड़ों की सवारियाँ होती हैं, तो इसलिए ये जो है अपना और क्योंकि ये गलियां गाड़ियों के लिए नहीं हिस्टोरिकली टांगों के लिए बनी है, इसलिए ज्यादातर पैसे वाले लोग या फिर एजेड लोग ही शौक के लिए इन्हें यूज करते हैं. और इनके डेजिग्नेटेड स्टैंड होते हैं, इसलिए ये महक भी इन्हीं स्टैंड्स तक महदूद रहती है. बट ये इतनी साफ और सुंदर थी कि मेरे को भी फिर बड़ा कैमरा निकालना ही पड़ा. फिर इस चर्च के डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चल के मैं पहुंचा इस छोटे से स्क्वायर में जहां से चर्च का स्पायर तो दिख रहा था. बट अभी रास्ते में एक स्टॉप और था और मेरे पीछे यहाँ की फेमस हाफ मान यानी कि हाफ मून ब्रूरी. और ये बहुत फेमस हिस्टोरिक ब्रूरी है यहाँ पे, और इसके अंदर एक टूर भी होती है, बेयर टूर. आई गेस 10 यूरो के आसपास उसकी फीस है, मैंने लास्ट टाइम ली थी. और उसके एंड में एक बड़ा सा ग्लास आपको बियर का भी मिलता है, चाहे तो स्टॉफ हाइनरिक भी ट्राई कर सकते हैं. आई गेस स्टॉफ हाइनरिक भी यहीं पर बनती है जो बेल्जियम की सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग बियर है. मैंने अपने पिछले विजिट में इस ब्रूरी में गाइडेड टूर ली थी जिसके एंड में आपको एक ग्लास बियर मिलती है. बट मैं क्योंकि पीता नहीं इसलिए मैंने वो अपने हॉस्टल के रूममेट्स को दे दी थी. तो इफ़ यू आर इनटू बेयर और आपको बेल्जियन बेयर ट्राई करनी है और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है, तो इसमें आप एक गाइडेड टूर भी ले सकते हैं.
बट अगर आपने यहाँ ना भी जाना हो तो ये छोटा सा स्क्वायर भी अपने आप में काफी क्यूट है, बट ये ब्रूरी भी कोई कम फेमस नहीं है जिसका अंदाजा आपको यहाँ पे टूर ग्रुप्स की भीड़ देख के हो जाएगा। बट यहाँ से अगर कोई 50 कदम चलें तो ये गली आ जाती है जो हिस्टोरिकली बड़े वैसे वाले कामों के लिए जानी जाती थी। और मेरे पीछे यहाँ की फेमस ट्रूथ स्ट्राट, अब ये इतनी फेमस नहीं रही, 14-15 सेंचुरी में ज़्यादा फेमस थी, फेमस तो नहीं नोटोरियस थी, क्योंकि ये यहाँ का फॉर्मर रेड लाइट एरिया है। ये छोटी सी पतली सी संकरी सी गली है, यहाँ पे यहाँ के रईस आया करते थे, यहाँ पे एक्चुअली हमाम खाने होते थे जिसको हम बाथ हाउस बोलते हैं, उसमें आगे अपना पहले सफाई करते थे और फिर गंदगी मचाते थे लोग, बट क्योंकि चर्च को वो सब पसंद नहीं था तो उन्होंने बंद करा दी। अब यहाँ पे पतली पतली जो हैं गलियाँ हैं इसमें से आप जा सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट ग्रुप यहाँ से निकलते हैं। फॉर्मर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पे बेल्जियन चॉकलेट मिलती है छोटी छोटी शॉप्स के अंदर, विंडोज़ हैं यहाँ पे बट अब उनके अंदर आप चॉकलेट देख सकते हैं। अब हालांकि इसकी वो फॉर्मर ग्लोरी तो नहीं रही बट अभी भी टूर गाइड्स यहाँ पे अपने टूर ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि यही छोटी सी गली इस स्क्वायर को ब्रूज की मेन रोड से कनेक्ट करती है जो आगे चर्च और फिर सेंटर की तरफ जाती है। और आप मेरे पीछे हाल देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी भीड़ है, और आज थर्सडे है, सैटरडे संडे को तो और बुरा हाल होता है क्योंकि सैटरडे संडे को वीकेंड टिकट होती है जिसके प्राइसेस आधे होते हैं। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं यहाँ पे आया हूँ 1 बजे और यहाँ पे सनसेट होता है अराउंड 9 बजे तक, तो 1 बजे से 4 बजे तक तो भीड़ रहती है मगर 4-4:30 के बाद भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, फिर ये सिटी बहुत बढ़िया लगती है। वो अलग बात है कि 5:30-6 बजे सब बंद हो जाता है, तो अपना खाने पीने का काम पहले ही निपटा लीजिए और उसके बाद आराम से जो है इन्जॉय। और इस टाइम पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बोट ट्रिप अगर आप लेते हैं तो बोट्स भी पूरी ठुसी हुई होती है, मैं मेरे पीछे वाली देख लीजिए। अब यहाँ आइए तो सुबह सुबह या फिर बोट राइड लीजिए शाम के दौरान, क्योंकि दिन में तो यहाँ पे लाखों के हिसाब से टूरिस्ट होते हैं जो बोट्स में अपनी सीट ढूंढते हैं। बट ये कुछ उन शहरों में से एक है जिनकी बोट से एक अलग ही फील आती है, तो इसलिए बोट राइड जरूर लीजिएगा। बट क्योंकि मैं अपनी बजट की एक बोट राइड पिछली सिटी केंट में ले चुका था, इसलिए मैं आगे बढ़ा चर्च के सामने से होते हुए सेंटर की तरफ जाने के लिए। और यह है ब्रूज का फेमस चर्च ऑफ आर लेडी, नोट्रोडाम फ्रेंच में बोलते हैं, नोट्रोडाम कैथीड्रल हर जगह मिल जाएगा, जैसे पेरिस में उसका बेसिक मतलब आवर लेडी होता है, नॉट मतलब आवर और डैम मतलब लेडी। बट इस चर्च की खास बात यह है कि इसके अंदर माइकल एंजेलो की इकलौती वो मूर्ति है जो इटली के बाहर है, मैडोना विद द चाइल्ड, वो बेसिकली मदर मैरी की एक लाइफ साइज से शायद थोड़ी सी छोटी एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने बेबी जीसस को हाथ में लिया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे अंदर गया था तो वो शूट कर ली थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, टिकट 4 यूरो की है। बट अंदर हो या बाहर, ब्रूज के आर्किटेक्चर का एक अपना ही चार्म है जो हर जगह दिखता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ के हिस्टोरिक ओल्ड टाउन में ज्यादातर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही रहते हैं, क्योंकि सिर्फ हिस्टोरिक सेंटर ही इतना सुंदर और टूरिस्टी है और आसपास के मोस्टली लोकल्स यहाँ पे सिर्फ काम करने आते हैं। और काम से याद आया, मुझे सेंटर की तरफ जाना था बट पहले रास्ते में आया एक और स्क्वायर और इसके अंदर बहुत सारे पैटियो रेस्टोरेंट्स थे जो समर के दौरान आपको पूरे शहर में हर जगह मिल जाएंगे। बट इस वाले में मेरी बेल्जियम की फेवरेट चॉकलेट शॉप है जहाँ पे हजारों लोग फ्रेश चॉकलेट लेने के लिए डेली आते हैं। बेल्जियन चॉकलेट लेने के लिए मैं अपनी फेवरेट शॉप पे आता हूँ, या मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, इसका नाम है चॉकलेट लाइन, ये ऑन्टवर्पन में भी है, आई गेस ब्रसेल्स में भी होगी, बट यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट लेता हूँ हमेशा, व्हाइट चॉकलेट विद हेजलनट। मेरे को डार्क चॉकलेट या ब्लैक चॉकलेट इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मिल्क या व्हाइट चॉकलेट अच्छी लगती है, यहाँ पे मिलती है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की गूंद में सारी चॉकलेट्स हैं, जिंजर फ्लेवर, ऑरेंज विद चॉकलेट कोटिंग, टू मच टू कंसिडर, टू मच टू फिल्टर, बहुत ऑप्शंस हैं, इट्स रियली गुड। और आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट पहले ट्राई भी कर सकते हैं, जो मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा बाइट के लिए कर ली थी क्योंकि मुझे तो पता था कि मैंने क्या लेना है, और वो थी व्हाइट चॉकलेट विद हेजलनट जो मैंने ली 200 ग्राम और वो मुझे पड़ी 6 यूरो की।
फिर चॉकलेट लेने के बाद जब मैं बाहर निकला तो पहुंचा इस बड़ी सी सड़क पे जो ब्रूज की मेन सेंट्रल स्ट्रीट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये सीधा रेलवे स्टेशन से ग्रैंड स्क्वायर को, सेंट्रल स्क्वायर को कनेक्ट करती है, और इस पे बहुत सारी शॉप्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पे आप अगर रह रहे हैं तो ग्रोसरी स्टोर से छोटा मोटा सामान पिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे H&M, ज़ारा, C&A एक्चुअली ये सारे शॉप्स भी हैं। और ओबियसली बेल्जियम है तो बेल्जियन चॉकलेट, वॉफल्स और फ्राइज की बहुत सारी शॉप्स हैं। इट्स अ बिग बुलेवार्ड, वेरी फैंसी, वेरी प्रिटी, अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट एंड्स स्ट्रेट एट द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ द सिटी। और सिटी का सेंटर है ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर, जहाँ पे बथेरे टूरिस्ट और उनको सैर कराने वाले घोड़े पार्क्ड होते हैं। बट यूरोप की हर पुरानी सिटी के सेंटर में ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जहाँ पे के कई सौ सालों से शहर के मेन बाजार लगते रहे हैं। बट आजकल यहाँ पे फोटो शूट चलते हैं, वो भी उन बेल टावर्स के सामने जो तकरीबन 700-800 साल पहले ये देखने के लिए बनाए गए थे कि शहर में कहीं आग वाग तो नहीं लगी। बट ब्रूज का ये बड़ा सा स्क्वायर आज एक टूरिस्ट सेंटर है, जहाँ पे लोग खाने पीने, रिलैक्स करने और यहाँ की छोटी मोटी फ्रूट मार्केट में सामान लेने के लिए आते हैं, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली अमेजिंग इंस्टाग्राम पिक्चर्स लेने। बट अगेन यहाँ पे भी आपको सिर्फ मोस्टली ट्रैवलर्स ही मिलेंगे, क्योंकि लोकल्स यहाँ की भीड़ से गुरेज करते हैं। काफी बड़ा है, काफी सुंदर है, आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है, इट्स रियली नाइस। बट इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बहुत है। यहाँ पे बड़े पुराने पुराने कैथीड्रल है, कई सौ साल पुराने। आगे तो एक चर्च है जहाँ पे कहते हैं कि जीसस का ब्लड रखा हुआ है। तो ये बहुत पुरानी जगह है, बहुत हिस्टोरिक सिटी है। और सबसे बढ़िया पार्ट है इसका बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चर, इट्स रियली प्रिटी। बेल गेबल्स वाली बिल्डिंग, ईंटों के घर, यहाँ पे बेल्जियन फ्राइज, वॉफल्स, चॉकलेट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो घोड़े होते हैं वो भी यहाँ पे गेड़े लगाते रहते हैं। बट दिस इज रियली प्रिटी, वर्थ अ वॉच। यहाँ पे आप बाकी आराम से आधा घंटा बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटी, जो इस ब्यूटीफुल ब्यूटी, रियली अप्रिशिएबल ब्यूटी। सॉरी फॉर माई इंग्लिश, इट्स नॉट रियली ऑल दैट गुड, माई वोकैबुलरी इज नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट एनीवेज, बट दिस प्लेस इज रियली प्रिटी। बस फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी और इसकी ब्यूटी, डिजाइन और आर्किटेक्चर को एंजॉय किया। और जब मैं यहाँ पे सिटी शॉट्स ले रहा था तब मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे साइकिल्स की तादाद पे, जो कि उन लोगों की थी जो इन्हें समर्स में बहुत यूज करते हैं, फिर चाहे वो चर्च का मास ही अटेंड करने क्यों ना जा रहे हो। बट ग्रैंड स्क्वायर की बैक साइड पे यहाँ का सिटी हॉल भी है। उसी के साथ लगता है 12वीं सदी से मौजूद द बेसिलिका ऑफ द होली ब्लड। और इस चर्च में कहा जाता है कि यहाँ पे जीसस का ब्लड पड़ा है, जो मैंने पिछली बार देखा था। इस बार मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, बट बेल्जियन सीरीज में इंक्लूड करूंगा। एनीवेज, जो ब्लड है, एक्चुअल ब्लड, उसकी पिक्चर या वीडियो लेना मना है। क्लेम तो ये किया जाता है कि 1150 में यहाँ के रूलर जेरूसलम से उस कपड़े का एक टुकड़ा ले आए थे जिस पे जीसस का ब्लड लगा हुआ है, और सेकंड क्रूसेड के बाद लाया गया वो रेलिक इसी चर्च में रखवा दिया गया था। और अगर आप चाहें तो दोपहर को मास के टाइम यहाँ पे उसे देख भी सकते हैं। चर्च के बाद आप जा सकते हैं इसके साथ लगती ब्रूज की सबसे फोटोजेनिक जगह पर, जहां पे आपको सभी फोटोज लेते नजर आएंगे। फिर चाहे वो यंगस्टर्स हों जो हैशटैग ब्रूज वाली इंस्टा पोस्ट के लिए सबसे खूबसूरत बैकग्राउंड ढूंढ रहे हो, या
या फिर बच्चों के साथ मॉमीज और उनकी फोटोज लेते हुए डैडीज। ये नजारा है ही ऐसा कि यहाँ पे आकर सारे काम छोड़ के बस थोड़ी देर बैठने का मन करता है। नजारा बहुत ही असम है, पर मैंने सोचा अभी यहाँ बैठ के थोड़ी सी पिकनिक मना ले। विंडमिल्स में पिछली बार गया था उल्टी तरफ है, 20 मिनट चल के जाना पड़ता है, इसलिए इस बार नहीं जा रहा हूँ। बट सेम चॉकलेट आई हैड द लास्ट टाइम, रियली गुड। और यही चॉकलेट मैंने पिछली बार यहाँ की फेमस विंडमिल्स की तरफ जाकर उनके साथ लगते हुए पार्क में बैठ के आराम से खाई थी। एक्सपेंसिव बट गुड, बट क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक हद कैमरा होने की वजह से मैंने साइकिल ले रखी थी, इसलिए मैं ये कर पाया था। यहाँ पे किनाल के साथ साइकिल चलाने का मजा अलग ही है। और इसी के साथ आज का दिन और ब्रूज की छोटी सी डे ट्रिप फिनिश। छोटा सा शहर है, इसको घूमने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं, एक दिन में पूरा हो जाता है। छोटी सी प्रिटी सी विलेज है, बट अगर आप चाहें तो थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, 20 मिनट यहाँ से और चल के जा सकते हैं, जो इसकी खूबसूरत विंडमिल्स हैं थोड़ी सी आगे की तरफ वहाँ पे, और वहाँ से फिर पैदल चल के 20 मिनट और वापस सेंट्रल स्टेशन वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। अब ये 40 मिनट की एक्स्ट्रा वॉक हो जाती जो मैंने पिछली बार कर ली थी, क्योंकि पिछली बार मैं सिर्फ G7X और एक आईफोन लेके आया था, बट इस बार क्योंकि बड़े भारी भारी कैमरे साथ में, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा इतनी सैर ऑलरेडी करने के बाद, चार चार जगह पे कैमरे अंदर बाहर करने के बाद बड़ा मुश्किल है। अब ये पूरा गिम्बल भारी 8 किलो का ये सौदा ATD हाथ में उठाया हुआ है, बैग कंधे पे लिया हुआ है, बड़ा औखा काम है। जगह जगह पे कैमरा सेट करने पड़ते हैं, ट्राईपॉड लगाने पड़ते हैं, लोगों को बोलना पड़ता है कैन यू फॉलो मी फॉर 10 स्टेप्स, तो थकान बड़ी हो जाती है। और वैसे भी ब्रूज में पहले 2 बार आ चुका हूँ, इस बार तो ढंग से शूट करने के लिए आया था, तो इसलिए आज के दिन को फिनिश करते हैं, वापस जाते हैं ब्रूज स्टेशन, वहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन, रिटर्न टिकट पहले ही ले रखी है, सीधा जाऊँगा ब्रसल्स, वहाँ से अपने सामान उठाऊँगा और उसके बाद सीधा ऑन टूर। और निकलते निकलते अराउंड 8 बज गए थे और तब भी रोशनी ऐसी थी, बट ऐसा सिर्फ समर्स में होता है क्योंकि विंटर्स में 4 बजे अंधेरा हो जाता है। बस फिर मैंने 5 यूरो वाला पिज्जा पकड़ा और वापसी की ट्रेन ली और पहुंच गया वापस होस्टल, और फिर निकल गया सीधा ऑन टू ओपन के लिए, जहां मैंने अगले 2 दिन स्पेंड किए और वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड में, और वो भी वहां की गे और लेस्बियन पार्टीज के साथ साथ, एंड ऑफ कोर्स साथ में गपशप कई ट्रैवलर्स के साथ और कई लोकल्स के साथ जो इन पार्टीज में जाते हैं। बट गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा लाइक बटन मत भूलिएगा, एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइमली अपडेट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।